आगरा सिकंदरा क्षेत्र के पनवारी गांव में अनुसूचित जाति के परिवार की बेटी की बारात चढ़ाने को लेकर हुए दंगे के मामले में 32 वर्ष बाद अदालत का निर्णय आया। अदालत ने भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल समेत अन्य आरोपियों को किया दोषमुक्त। दो आरोपियों की मुकदमे के विचारण के दौरान हो चुकी है मौत। 22 जून 1990 को अनुसूचित जाति के चौकीलाल की बेटी की आई थी बारात। बारात की चमक को लेकर गांव के जाट समाज के लोगों ने किया था विरोध। इसको लेकर पथराव, फायरिंग और आगजनी हुई। इसके बाद लगाया गया था कर्फ्यू। सर, 32 साल बाद फाइनली फैसला आ गया है, कोर्ट ने आपको सारे चार्जेस से दोष मुक्त कर दिया है, क्या कहना चाहिए? नहीं, कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है वो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए और दूध का दूध पानी का पानी किया है और बहुत ही अच्छा फैसला किया है। ये फैसला पूरे जनमानस में हृदय तक उतरेगा, पूरे जनता इसको स्वीकार करेगी। कैसे देखते हैं सर 32 सालों का ये अनुभव, क्योंकि लंबा कहा जाए इसके लिए आपने कानूनी लड़ाई लड़ी है और दो जातियों के इस संघर्ष में देश में दौर में राजनीतिक भूचाल भी रहा, कैसे देख, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ना, जब कोई आदमी सच्चाई की और सत्य धर्म की लड़ाई लड़ेगा उसमें परेशानियां तो जरूर होती हैं, मगर उसका फल और विजय सच्चाई की होती है। आज सच्चाई की विजय हुई है, जन भावनाओं की विजय हुई है और जो न्यायालय ने फैसला दिया है और वो हमें सिरोधार्य है और उनका हम सम्मान करते हैं। और मैं ही नहीं, पूरी जनता जो भी सुनेगा पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से इस फैसले को सुनेगा, हर आदमी कोर्ट का आभारी रहेगा और कोर्ट को धन्यवाद देगा। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।